भाई और बहनों, सबसे पहले बाबूजी की कर्मभूमि हमारे एटा की धरती को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं वराह भगवान मां चामुंडा देवी शीतला माता जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब एटा कासगंज जी, बहन रत्नेश कश्यप जी, श्री बिपिन देवीड़ जी, वीरेंद्र लोधी जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, ममतेश साकिया जी, आशीष यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता राजू भैया जी, आगे आओ भाई, आगे आओ, जरा जोर से ताली बजाओ राजू भैया के लिए। प्रचंड बहुमत से राजू भैया को जिताना है, जिताओगे ना? भाई और बहनों, सबसे पहले बाबूजी की कर्मभूमि हमारे एटा की धरती को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं वराह भगवान मां चामुंडा देवी शीतला माता जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब एटा कासगंज आया हूं, तब महाराजा डंबर सिंह जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, एटा में आना मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे लिए बड़ा मन का और संवेदनाओं का विषय रहा है, क्योंकि यही भूमि है जिसको सम्माननीय कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। बाबूजी यहीं से बार बार चुन कर गए। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण है। शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाएंगे। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला है। भाई और बहनों, कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों का कल्याण और राम जन्मभूमि का उद्धार, ये दो चीजों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और आज मुझे आनंद है कि हमारे प्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी ने बाबूजी के दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने का काम किया है। भाई और बहनों, एटा वालों, आप मेरी बात याद रखना, दो खेमे हैं, एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वाला का है और दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों का है। मुझे बताओ एटा वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या आवाज है भाई, बाबूजी ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी, आप ऐसी आवाज करोगे? बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी राहुल बाबा और अखिलेश यादव की पार्टियों ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर रखा, लटका कर रखा, अटका कर रखा। यूपी वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को
भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। यह निर्णय एटा की जनता को करना है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब बाबूजी को मन से याद करना चाहता हूं। पूरे भारत में बाबूजी ही थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण करने का बीड़ा उठाया था। बाबूजी की सरकार तो चली गई मुलायम सिंह जी के कारण, परंतु जब आपने हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, गरीबों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, ये समाजवादी पार्टी जिनकी गोद में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी। सालों तक काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर रखे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, और मोदी जी जब आए, एक गरीब मां का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। और एटा वालों, एक मोदी गारंटी कह देता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। करोड़ों घरों में गैस का चूल्हा दिया, नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम किया, और बाद में कई सारे लोगों को घर दिया। अब तक मोदी जी 3 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब स्वर्गीय महादीपक सिंह शाक्य को भी याद करना चाहता हूं। महादीपक सिंह जी यहां से 6 बार सांसद रहे, जिन्होंने एटा की सेवा करी, और आज उनके आशीर्वाद से ही भाजपा यहां तक पहुंची है। भाई और बहनों, मैं आज अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया,
मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई 25 साल से बड़ा नहीं है, वरना यूपी की 85 सीटों पर ये परिवार वालों को ही लड़ाते। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर यहां पर गरीबों का कल्याण का यज्ञ चलाया है। हर गरीब को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी ने दिया। और मित्रों, ये राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत दो टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी का गारंटी। भाई और बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा, जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। एटा कासगंज वालों, इन लोगों ने झूठ की फैक्ट्री खोल कर रखी है। उनका जब यहां पर सरकार था, अखिलेश बाबू याद करो, आपकी सरकार थी, पलायन पश्चिमी यूपी से होता था, गुंडे लोगों को त्रस्त करते थे। भाइयों बहनों, आपने भाजपा सरकार 17 में बना दी, योगी आदित्यनाथ के शासन में लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। भाई और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे बनाकर मोदी जी ने यूपी में रोडों का जाला बिना, सिर्फ 7000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, मोदी जी ने ये 10 साल में 7000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाई और बहनों, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 निर्माणाधीन है, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 25 से अधिक घरेलू वायु मार्ग बनाए, 12 शहरों में मेट्रो पहुंची है, डिफेंस कॉरिडोर से हजारों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है, 30 नहर योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है, 2 एम्स मोदी जी के समय में आए हैं, और 68 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 22 मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को विकास के युक्त करने का काम किया है। जहां पहले बम धमाके होते थे, गोलियां चलती थी,
वहां पर आज बम बनाने के कारखाने डालने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, मैं राजू भैया के लिए भी कहना चाहता हूं, एटा के विकास के लिए 10 साल में राजू भैया ने कोई कसर नहीं की। अलीगढ़ से कानपुर 305 किलोमीटर का 4वे लोन, भारत माला योजना, एटा कासकंद 4 लेन सड़क, अलीपुर बरवारा से सहसवान तक गंगा पुल का निर्माण, 410 करोड़ की रेलवे लाइन, 25,000 क्विंटल मिलेट्स केवल और केवल कासगंज से विदेश गए हैं। एटा में मेडिकल कॉलेज, कासगंज में भी मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है। थारा चित्रा में पॉलिटेक्निक कॉलेज, 20,000 ग्रामीण आवास, उज्ज्वला योजना के 1,63,000 लाभार्थी, जवाहर तापीय परियोजना 1,320 मेगावाट का बिजली का कारखाना, 2,57,000 गरीबों के घर में नल से जल और 2,70,000 शौचालय का निर्माण। राजू भैया कम बोलने वाले हैं पर ज्यादा काम करने वाले हैं। एक बार जोर से ताली बजा दो राजू भैया के लिए भाई। और मैं आज एटा कासकंद वालों को कहकर जाता हूं, ये राजू भैया को सांसद बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मैं आज 2 चरण का चुनाव होने के बाद यहां आया हूं। मैं 2 चरण का परिणाम बता दूं, जानना है एटा वालों 2 चरण में क्या हुआ है, जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? कहीं बताना मत तो बताऊं जोर से। 2 चरण में मोदी जी ने सेंचुरी से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर दिया है। और एक घमंडिया गठबंधन साफ हो गया है। अखिलेश बाबू ये 2 सहजादो है, राहुल और अखिलेश इकट्ठा आए हैं, अब तक तो उनका खाता भी नहीं खुला है, शायद 3रे चरण में भी नहीं खुलेगा। मैं आपको कहने आया हूं भाई और बहनों, हमारे राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताना है। राजू भैया के नाम के सामने कमल का निशान है, आप कमल के निशान पर बटन दबाकर जो एक एक वोट राजू भैया को दोगे, वो हर वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मुझे बताओ, राजू भैया को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों को वोट देना है या राम मंदिर बनाने वाले को? मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? यूपी की 80 की 80 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, बाबू कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। अंतिम दम तक लड़ते रहे, उन सब के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, हर महापुरुष के सम्मान के लिए हम हर जनपद में व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, पार्क बनाएंगे, पार्कों में भव्य मूर्ति रखाएंगे, अच्छे म्यूजियम बनाएंगे, उनकी पूरी जीवनी को और उस पर कंपटीशन कराने की कार्रवाई भी हो रही है। हमने काशी और अयोध्या से शुरुआत कर ली है,
प्रयागराज से शुरुआत कर लिए है, ब्रज भूमि का नंबर भी आने दीजिए और फिर आपकी भूमि का भी नंबर आएगा। ये सब काम भाजपा ही करने जा रही है, घबराइए मत, हम लोग करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस सपा बसपा के जो लोग हैं ना, इनसे बड़े सावधान रहना, इसलिए रहना, इनका मैनिफेस्टो देखिए तो, एक भारत के खिलाफ छुपा हुआ एक हिडन एजेंडा है इनका। ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों में सेंधमारी का काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के दौरान ये प्रयास किया है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने भारी विरोध किया था, ये लोग सफल नहीं हो पाए, अन्यथा ये लोग 2004-5 के दौरान ही 5-6 के दौरान ही ये काम कर लेते। कर्नाटक में इन्होंने कर दिया, पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% इन्होंने काट करके कांग्रेस ने वहां मुसलमानों को दे दिया है। ये आपके हकों पे डकैती है कि नहीं है? ये गरीबों के हकों पर, पिछड़ी जाति के हकों पे डकैती है कि नहीं है? और कांग्रेस ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके यह काम यूपीए सरकार के समय भी किया था। एक तरफ आपके हकों में डकैती डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का ये लोग अपमान करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ संपत्ति का सर्वे करके आपकी संपत्ति पर वरासत टैक्स लगाने की इनकी तैयारी है। वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने जो संपत्ति कमाई है, खेत लिया होगा, प्लॉट लिया होगा, कल दुर्भाग्य से अगर कांग्रेस आ गई तो ये क्या करने वाले हैं? ये करेंगे कि उस संपत्ति में से आधी संपत्ति पे कांग्रेस के लोगों का या सपा के लोगों का अधिकार हो जाएगा। और सपा का तो नारा ही था, जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, यही तो नारा लगाते थे ये लोग। अरे देखो, वो तो हम लोगों ने इनके सभी माफिया और गुंडों को ठीक कर दिया है, इनकी कमर सीधी कर दी है, अन्यथा ये लोग तबाही मचा दिए होते। और यही नहीं, इनकी हालत देखो, इनकी हालत देखो, पूर्व मुख्यमंत्री सत्यदेव कल्याण सिंह जी आजीवन प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करते रहे, राम जन्मभूमि के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था, उनकी दुखद मृत्यु हुई। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द संवेदना के लिए नहीं व्यक्त किया, एक शब्द नहीं व्यक्त किए, एक शब्द व्यक्त नहीं किए। आप सोचो, मानसिकता देखो, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिवंगत हुए, मैं स्वयं उनके गांव में गया, मेरे साथ मेरे प्रदेश के अध्यक्ष गए, हमने वहां संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना न व्यक्त करने वाली समाजवादी पार्टी, उसके अध्यक्ष एक माफिया के मरने पर कैसे फतिया पड़ने के लिए गए थे, आपने देखा होगा, देखा होगा ना, देखा है ना। अब बात आप सुनो, जिन लोगों की संवेदना माफियाओं के प्रति है, आपके प्रति नहीं, आपके नेताओं के प्रति नहीं, क्या उनको वोट देंगे? क्या क्या उनको वोट जाना चाहिए क्या? और मैं यही कहने के लिए आपके पास आया हूं, हमने अपने वोट को देश के लिए देना है। मोदी जी ने कहा है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत का मतलब हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली, 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करना, संतृप्तता के 100% लक्ष्य को प्राप्त करना। जिसके पास मकान नहीं उसको मकान, जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड, जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान कार्ड, जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी, जिसके पास खेत नहीं उसको खेत, जिसके पास जमीन का पट्टा नहीं उसके नाम पे जमीन का पट्टा, ही 100% सिचुएशन केवल भारतीय जनता पार्टी देगी। और इसके लिए हम लोग आपके पास आए हैं। मोदी जी का जब समय आया है, हर भारतवासी को मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा।
खड़ा होना होगा इस बात को लेकर के कि मोदी जी आपने 10 वर्ष बिना रुके, बिना टिके, बिना थके, बिना झुके भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाइयां दी हैं, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है और भारत की आस्था को भी सम्मान दिया है। पहले के प्रधानमंत्री तो अयोध्या जाने से संकोच करते थे, पहले के प्रधानमंत्री अयोध्या नहीं जाते थे। आप सोचो मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए गए और अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान भी कर दिए। पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो हमें भी एक ही बात ध्यान रखना होगा, हमें भी एक ही बात कहना होगा जो देश के अंदर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं आपका एक एक वोट जो कमल निशान पर जाएगा वह दिग्विजय शाक्य के माध्यम से मोदी जी के लिए जाएगा। सहमत है ना बहनों और भाइयों? दिग्विजय शाक्य को हम लोगों ने, वो तो हमारे संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, वे तो घूम रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे, अलग पूरे क्षेत्र में भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। उससे कहा गया कि भाई इस बार आप चुनाव लड़ जाइए, उसने कहा मुझे पार्टी का जो आदेश होगा। इसलिए घर घर जा पाना प्रत्याशी के लिए चुनाव के दौरान कठिन होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, आप जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोचिए और मोदी जी के लिए एक एक वोट कमल चुनाव चिन्ह पर जाना है, दिग्विजय शाक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको घर घर जाना होगा। जाएंगे घर घर, एक एक वोट को मतदान स्थल पर लेके जाएंगे, भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी सहमत हैं ना? तो फिर मेरे साथ आप सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज हम सभी के बीच में